हेलो दोस्तों, आज आपको रैमटेक टेंस मशीन में हम ये बताएंगे कि आप कैसे चेक करें कि टेंस मशीन काम कर रही है या नहीं। बहुत सारे कस्टमर्स टेंस मशीन लेने के बाद हमें कॉल करते हैं और बोलते हैं कि कोई स्टिमुलेशन नहीं हो रही, कोई मशीन में से करंट नहीं आ रहा। तो वो चेक करने के लिए आपको कुछ बताते हैं। ये पीछे से मेन लीड लगा के आप बिजली पर चला सकते हैं मशीन को, या फिर इसको इसमें इनबिल्ट बैटरी होती है, बैटरी पे मशीन काम करेगी। अब हम बताते हैं आपको कि आप कैसे चेक करो कि मशीन काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि उसको करंट ना आने के, स्टिमुलेशन ना होने के कई रीज़न होते हैं कि आपने जेल नहीं लगाई, पैडों को गलत तरीके से लगाया। तो सबसे पहले मशीन को चेक कर लीजिए आप। ये मशीन रैमटेक की 2 चैनल जैसे है, या ये भी रैमटेक की 2 चैनल है, सेम मशीन है, बस थोड़ा मॉडल का डिफरेंस है। ये अभी हैवी ड्यूटी 2 चैनल टेंस मशीन है, सेम रैमटेक की 2 चैनल टेंस मशीन अगर आपके पास होगी तो ऐसी होगी, या फिर आपके पास ये वाली होगी RR08, दोनों ही रैमटेक की 2 चैनल टेंस मशीन है। और इसके साथ ऐसे लीड्स पैड आते हैं, 2 लीड पैड आते हैं 2 चैनल के साथ, और 4 चैनल के साथ भी 4 लीड पैड आते हैं। तो 4 चैनल को भी कैसे चेक करना है, इसी तरीके से चेक करना है, और 2 चैनल में भी इसी तरीके से चेक करना है। हम एक 2 चैनल का रख के आपको डेमोस्ट्रेट वीडियो दिखा रहा हूँ। आप 2 चैनल का टेंस लीजिए, उसे बिजली पे आप लगाए या ना लगाए, आप बैटरी पे भी चेक कर सकते हैं। बैटरी पे जैसे ये एक लीड को हमने इंसर्ट कर दिया किसी भी चैनल पे, ठीक है। अब ये देखिए, इसके चैनल 1 में मैंने एक लीड को इंसर्ट कर दिया। अब मशीन को हम चेक कर रहे हैं कि ये स्टिमुलेशन कर रही है या नहीं कर रही, काम कर रही है या नहीं, करंट आ रहा है या नहीं। तो अब इसकी इंटेंसिटी देख लीजिए, ऑफ है, और फ्रिक्वेंसी को ना आपको 750 पे या 750 पे या 1200 पे, मतलब 750 या 1200 के बीच में, या 1200 पे सेट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे मत करिए, उसमें कंटिन्यू जाता है करंट। 750-1200 के बीच में या 1200 पे आप सेट कर लीजिए, 750 और 1200। लेफ्ट साइड में देखिए फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, इस पे हमने नॉब सेट करनी है और इंटेंसिटी को ऑफ ही रखना है। जो राइट साइड में 2 बटन होते हैं, इंटेंसिटी में जो राइट साइड में बटन होते हैं वो पावर को दर्शाते हैं, तो उनको ऑफ रखना है स्टार्ट करने से पहले। अब इन दोनों जेलों पे, हम पैडों पे जेल जरूर लगानी है आपने, ब्लैक वाले हिस्से पे जेल जरूर लगानी है। मैं अभी जेल नहीं लगा रहा, लेकिन आपको जेल जरूर लगानी है कंडक्टिविटी के लिए, और उसको ऐसे हथेली में पकड़ लेना है, एक पैड को लेफ्ट में, एक को राइट में, किसी भी पैड को। अब मैंने देखी फ्रिक्वेंसी 1200 पे सेट करी, और इंटेंसिटी को धीरे धीरे मैंने मूव किया। ये देखिए, जैसे मैंने इंटेंसिटी मूव करी कैसे वाइब्रेशन हो रही है। मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हाथ नहीं रुक पा रहे, और पूरी वाइब्रेशन हो रही है, दोनों हाथ ऐसे हिल रहे हैं, स्टिमुलेशन हो रही है बहुत ज़बरदस्त। तो इसका मतलब ये चैनल ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे पे लगाइए और फ्रिक्वेंसी को 1200 पे सेट करिए, और इंटेंसिटी को धीरे धीरे मूव करिए। ये ऐसे ही है, ये देखिए पूरी वाइब्रेशन हो रही है, दोनों हाथ ज़बरदस्त तरीके से हिल रहे हैं, तो इसका मतलब टेंस मशीन हमारी ठीक है। तो ये टेंस मशीन की दोनों आउटपुट्स को चेक करने का तरीका है। 4 चैनल में भी ऐसी आउटपुट चेक करते हैं एक एक करके कि ठीक है या गलत है। बस जेल को मत लगाना भूलिए, जेल बहुत कंपलसरी है। जेल ना हो तो थोड़ा सा गीला करके भी लगा सकते हैं। और बाकी आपको कुछ और इंक्वायरी करनी हो तो हमारा स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप करिए, हम और आपको समझा देंगे। थैंक यू।